Welcome back to my channel. Welcome back to Tech and Track videos. So this is the another vlog of Tech and Track, जिसमें मैं आज एक unboxing video और you can say that एक review video करने वाला हूँ एक helmet के ऊपर. तो जो helmet है वो है पढ़ा जाए ये SteelBird का helmet है. ये SteelBird SBA 1 है and ये इसका box है. तो ये जो हेलमेट है ये मैंने करोल बाग से ख़रीदा है. ये वाला हेलमेट, ये जो हेलमेट है मेरे को जो पड़ा है ये हेलमेट वो पड़ा है 2300 समथिंग का. बेसिकली ये जो हेलमेट है वो 1350 का था. 1350 रुपीज़ का ये हेलमेट है, सिर्फ हेलमेट विद इसमें नॉर्मल वाइज़र आ रहा था. ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने वाइज़र लिया है वो है क्या कहते हैं डे नाइट वाइज़र, यू कैन सी डे नाइट वाइज़र और नाइट विजन वाइज़र इसे आप कह सकते हो. क्योंकि इसमें जो है आपको क्या कहते हैं डे नाइट मतलब रात को भी ये कंफर्टेबल होता है और दिन को भी कंफर्टेबल होता है. एंड द थिंग इज इन दिस वाइजर कि अगर जैसे कि और आपने वाइजर देखे होंगे SB1 में SBA2 में, तो उसमें क्या होता है स्मोक वाइजर होता है वो जो होता है मतलब आपको उसमें जो विजिबिलिटी है रात को नहीं मिल पाती है. बट इसमें यह फ़ायदा है ये प्योरली स्मोक वाइजर नहीं है, प्योरली सॉलिड कलर का नहीं है. इसमें जो है आप रात को भी देख सकते हो. ठीक है, एंड क्या कहते हैं ये जो वाइज़र पड़ा है यही वाइज़र हमें पड़ा है 1200 रुपये का. आई मीन यू कैन से दैट कि हमें ये 1000 रुपये का पड़ा, जिसका नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट वाइज़र आता है वो हमने वापस किया. उसके बदले हमने ये वाला लिया तो ये 1000 रुपये का पड़ा. तो इन टोटल हमें ये 2350 रुपीज़ का ये हेलमेट पड़ा. ठीक है, और इसका कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है. एंड आप देख सकते हो ये पूरा ये टोटली ट्रांस ये टोटली सॉलिड कलर का नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें दिखता है बस. ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो जो लुक है वो भी कूल आता है. इसमें जो विंड जाने की जगह है यहाँ से एंड यहाँ से आप क्या कहते हैं यहाँ से इसे ओपन कर सकते हो. यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे एक ये चिन पे है. ठीक है, ये एक चिन पे बटन है, यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो. और यहाँ पे पीछे आपको मिल जाता है जैसे पीछे हवा निकल सकती है तो आप इसमें सफोकेशन फील नहीं करोगे. इसमें एयर जाने की बहुत सारी जगह है एंड इसका स्पेस भी अच्छा है. इन द मेन चीज इसमें क्या है, ये जो है रिमूवेबल है, आप इसे रिमूव करके वॉश कर सकते हो. उसके अंदर ये सारी जो पैडिंग्स हैं आप इसे रिमूव करके जो है ये पैडिंग जो है रिमूव करके आप वॉश कर सकते हो. इसमें ये फ़ायदा है जो हमें ऑरेंज कलर सही लगा, या ऑरेंज कलर में बेटर कलर है एंड क्या कहते हैं ये हमें अच्छा लगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पहन के इसका लुक कैसा आता है. ये देखो ये जो हेलमेट है इसमें ये जो है मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा डार्क आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो मेरे को प्रॉपरली दिख रहा है. और सेम ही विजन मेरे को रात को भी मिलती है, तो यही विजन मेरे को रात को भी मिलती है. एंड क्या कहते हैं देख सकते हो इसको ओवरऑल जो है क्या कहते हैं इसमें बहुत सारे आपको वेरिएंट मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. और कलर से प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आप कौन सा कलर लेते हो. एंड आप कहोगे कि ऐसे इतने रेंज में तो बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट आ रहे हैं, वेगा का हेलमेट आ रहा है एंड क्या कहते हैं स्टर्ट्स का हेलमेट आ रहा है, बहुत सारे हेलमेट आ रहे हैं. तो मैं आपको बताता हूँ मैंने ये बेसिकली हेलमेट क्यों खरीदा है. पहली बात तो ये बजट में था, ठीक है, ऐसे बजट में और भी हेलमेट है. बट थिंग इज ये चिन में जो स्पेस है ये वाला इतना स्पेस जो है ये आपको और किसी हेलमेट में नहीं मिलेगा. और ये चिन स्पेस मैंने ये हेलमेट इसलिए लिया क्योंकि चिन में इससे ज़्यादा स्पेस है. एंड इसमें यू कैन इजीली माउंट द कैमरा, एक्शन कैमरा. और मैं दूसरी वीडियो आपको बताऊंगा इसमें एक्शन कैमरा कैसे माउंट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्शन कैमरा कैसे माउंट करते हैं. तो बेसिकली जो रीज़न था मेरे को हेलमेट खरीदने का, मैं तो SBA2 लेने की सोच रहा था बट द थिंग इज उसमें चिन माउंट ज़्यादा अच्छा नहीं था, है ना. तो इसी वजह से मैंने ये वाला ख़रीदा. इसमें क्या है आप टोटली आराम से इसमें चिन में आप एक्शन कैमरा लगा सकते हो. एंड ये जो वाइज़र है ये वाइज़र आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 1000 रुपये का पड़ेगा. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अगर आप रात को राइड करते हो तो ये ज़्यादा बेटर है स्मोक वाइज़र से. तो स्मोक वाइज़र में रात को विजन बिल्कुल टोटली ज़ीरो होता है अगर आपको हाईवे पर लाइट नहीं है, बट इसमें जो है आपको विजन अच्छा खासा मिलेगा. जो है आराम से आप इसे रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको वाइज़र चेंज करना है तो यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ ओनली. आपको यहाँ पर कोई स्क्रूज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से कर सकते हो. जैसे कि मैंने ये जो हेडफोन्स यूज़ करे हुए हैं ये स्कल कैंडी के हेडफोन्स हैं. ठीक है, तो स्कल कैंडी के हेडफोन्स क्या एज अ ब्लूटूथ इंटरफोन यूज, अरे यार क्या स्कल कैंडी के ये इंग्ड वायरलेस हेडफोन्स ले रखे हैं. तो अब 3000 रुपये का जो ब्लूटूथ इंटरकॉम अच्छा वाला स्टार्ट होता है, तो फिर मतलब 3000 रुपये उस पर खर्च करना सिर्फ हेलमेट पे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा. तो मैंने ये जो है 3200 के ये वाले हेडफोन्स जो है मैंने
3200K वाले मैंने हेडफोन्स खरीदे हैं, तो ये 8 आवर्स के बैटरी बैकअप देता है, इन वायरलेस हेडफोन्स है, मैं इसके रिव्यू में आपको बाद में बता दूंगा। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर आपको राइडिंग वगैरह करना है, ब्लूटूथ इंटरकॉम करना है, कॉल वॉल पे रहना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये पहनना है यहाँ पे। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं तो उसे 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको कान पे लगाना और आपको बाहर की आवाज़ भी आएगी, ऐसी नहीं कि नॉइज़ कैंसिलेशन है इसमें। हेलमेट पकड़ा, ठीक है ना, तो आप इसको जो है क्या कहते हैं फिर आराम से पहन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, इसको आप आराम से पहन सकते हो, आपको बहुत कम्फर्टेबल होगा, आप इससे बात भी कर सकते हो, एंड आप आराम से बात भी कर सकते हो और इससे ऐसा आपको ब्लूटूथ इंटरकॉम भी काम कर जाएगा, आप इससे फ़ोन पे भी बात कर पाओगे, आप इसको गाने भी सुन पाओगे, आप इसे राइडिंग भी कर पाओगे। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाओ यहाँ पे एंड क्या कहते हैं बात करो, मतलब मेरे को तो ये कम्फर्टेबल लगा, मेरे को हेडफोन्स भी मिल गए मेरे, एंड क्या कहते हैं मेरा ये वाला काम भी हो गया। तो ये तो सिंपल सा रिव्यू वीडियो था ऑफ क्या कहते हैं हमारा स्टीलबर्ड SBA 1 का विद अ प्रिंटेड डिज़ाइन। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये जो है मतलब अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखे तो मेरी वीडियोस देखो, वीडियोस मेरी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियोस। क्लोजअप के बाद मैं जो है आपको एक क्लोजअप दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थम्स अप देना, एंड तब तक के लिए बाय बाय।